खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और मास्टर स्ट्रोक पे इस वक्त एक बड़ी खबर है, कमलेश तिवारी के हत्यारे दोनों के दोनों पकड़े गए हैं। गुजरात राजस्थान की बॉर्डर से कमलेश तिवारी के हथियारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशफाक और मोइनुद्दीन नाम के ये दोनों ही हथियारों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, काले कपड़े में अपने आप को छुपाए हुए ये दोनों हत्यारे। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप ये खबर देख रहे हैं, कमलेश तिवारी के हथियारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रौनक पटेल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, इन तस्वीरों को जरा बताइए, ये लोग कहां से गिरफ्तार हुए, कैसे हुए, क्या लीड मिली थी? देखिए, एटीएस टीम के पीछे लगा हुआ था, जिस प्रकार से सूरत से मामला जुड़ा था और जिस प्रकार के इनपुट मिले थे, एटीएस पिछले कई दिनों से इसकी तफ्तीश कर रही थी। और आप जो दृश्य देख रहे हैं वो गुजरात एटीएस ऑफिस के हेडक्वार्टर के, जहां पर ये दोनों को मीडिया के सामने पेश किया गया है। पूरा जो सिलसिलावार जो मामला है वो थोड़ी देर के बाद एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल देगा, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी सूचना मिल रही है उसके हिसाब से राजस्थान की ओर भागने के फिराक में थे, क्योंकि गुजरात और राजस्थान की सरहद पर शामला जी जो आती है चेकपोस्ट, वहीं से दोनों भागने की फिराक में थे। उसी दौरान एटीएस ने पहले से जाल बिछा के रखी थी और दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का भी यही दावा है कि ये दोनों लोग हैं जिन्होंने फायरिंग भी किया था और हत्या के सीधे आरोपी भी यही दोनों थे। अशफाक और मोइनुद्दीन इन दोनों का नाम है, लेकिन रौनक आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस हत्या को अंजाम देने के बाद ये फरार होकर गुजरात पहुंचे और फिर गुजरात से ये लोग राजस्थान भागने की फिराक में थी और तभी इनको राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर पकड़ा गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मामला जो था वो सूरत से भी जुड़ा था। आप जानते हैं कि पहली जो गिरफ्तारी भी हुई वो सूरत से हुई थी, वो जो गाड़ी का जो बॉक्स निकला था वो भी सूरत का था। तो कुल मिलाकर गुजरात पुलिस को पहले से लीड मिली हुई थी, पर यही वजह है कि गुजरात पुलिस इस मामले में कहीं बारीकी से तफ्तीश कर रही थी। रौनक ये बताइए कि कितनी देर में एटीएस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? आप कह रहे हैं कि अभी इनको पकड़ लिया है, मीडिया के सामने लाए, अब पूरी जानकारी और डिटेल दी जाएगी, कितना टाइम, क्या वक्त होगा? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट हो सकती है, क्योंकि मीडिया के सामने उनको पेश किया गया है। अब एटीएस चीफ जो है हिमांशु शुक्ला वो थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे और अगली 5 से 10 मिनट के अंदर पत्रकार परिषदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सिलसिलेवार बताया जाएगा कि दोनों का रोल क्या था, किस प्रकार से पुलिस को लीड मिली और किस प्रकार से पूरी गिरफ्तारी हुई। रौनक बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिएगा। इस बीच हमारे साथ रणवीर जुड़ गए हैं, लगातार इस खबर को एबीपी न्यूज ट्रैक कर रहा था, ये सवाल लगातार पूछ रहा था कि कब होंगे ये दो लोग गिरफ्तार जिनके ऊपर कमलेश तिवारी की हत्या का आरोप है। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपने इस ब्रेकिंग न्यूज को देखा है, जब हमने बताया कि कमलेश तिवारी के दोनों हत्यारे अशफाक और मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से इनको अरेस्ट किया गया है। रणवीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रणवीर, आपके पास क्या डिटेल है, शेयर कीजिए। एक सेकंड रोक रही हूँ, एटीएस चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, जरा उन्हीं का रुख करते हैं। साजे बनने आरोपी ने सामड़ा जी खाते से धरपकड़ करवामा सफलता मेळवी छे। आ गुनो बहु गंभीर हतो अने एना बाबते उत्तर प्रदेश पुलिस अने गुजरात पुलिस बन्ने चिंतित हती अने ए माटे अमे एने झड़पी अटक करवानो खूब जरूरत हती अने एमा अमे सफलता मळी छे। थैंक यू। हिंदी गुजरात एटीएस ने अभी कुछ घंटे पहले अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान की धरपकड़ करने में सफलता पाई है। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामड़ा जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पर इन दोनों का अरेस्ट किया गया। गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी और इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मूवमेंट किया गया और सामड़ा जी के पास से दोनों को अरेस्ट किया गया। टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहानपुर और चंडीगढ़, अंबाला, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारी जो कार्रवाई है वो गुजरात में कंसंट्रेट की गई और सफलता मिली। इसके बाद अभी इन आरोपियों के साथ जो लीगल प्रोसीजर है अरेस्ट का वो करके उत्तर प्रदेश पुलिस जिनके पास ये इन्वेस्टिगेशन है उनको सौंपा जाएगा। इंग्लिश में आप अनुच्छेद की नहीं आप अनुमति अर्जिंग।
कोई छे नहीं ना इंग्लिश वाला कही दूस कही दूस पहले पूरू करी दू टू वांटेड। देखिए अब अंग्रेजी में एटीएस चीफ जो है वो अंग्रेजी में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सुन लेते एक बार क्या कह रहे हैं। Has been arrested. They have been arrested from Gujarat Rajasthan border in a place called Samdaji. Gujarat ATS had a pinpoint information, actionable intelligence that they are going to enter Gujarat, and on that basis we had moved our team to the border and apprehended both of them successfully. They are the main accused of Kamlesh Tiwari murder case as per the information revealed till now during the course of investigation. We are sure that their arrest will clear the whole conspiracy of this particular case, and this sensational case will be successfully all the aspects will be revealed during course of interrogation. Any chances of other people involved in this? That will be looked after by Uttar Pradesh police, who is investigating the case. We are only limited to assist them in apprehending the accused persons whose name is disclosed during investigation. Thank you. एटीएस चीफ को इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा हमारा जो काम था वो हमने कर दिया है, हमें इन दो अक्यूज के, इन दो आरोपियों के नाम दिए गए थे, ये सूरत के रहने वाले हैं, हमें ये जानकारी मिली थी कि ये भागेंगे अब, और बरेली में हमने टीम रखी थी, शाजापुर में हमने टीम रखी थी, दिल्ली में हमारी टीम थी, यहाँ अहमदाबाद में, सूरत में, गुजरात में हमारी टीम मौजूद थी, और जैसे ही हमें एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिली हमने एक्शन लिया और इनको श्यामला जी से गिरफ्तार कर लिया है, और अब बहुत जल्द इन दोनों को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इस वक्त की ये जानकारी एटीएस चीफ की तरफ से आपको मिली है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आगे जितनी भी डिटेल है वो उत्तर प्रदेश पुलिस देने वाली है। रणवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणवीर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ये दोनों आरोपी जो मोस्ट वांटेड थे इस केस में, हत्यारे थे, अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, इनकी जो लास्ट लोकेशन थी वो शाहजहांपुर में देखी गई थी परसों रात को 12:01 पे, जो सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन उसके बाद से इनकी कोई लोकेशन जो सार्वजनिक तौर पर नहीं आई थी, और लगातार यूपी पुलिस गुजरात और महाराष्ट्र एटीएस के साथ संपर्क में थी, और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि ये नेपाल भी भाग सकते हैं या कहीं और भी भाग सकते हैं, यानी कि परसों रात 12 बजे के बाद से इनकी लोकेशन सार्वजनिक नहीं हुई थी, और ऐसे में ये वापस अपने स्टेट यानी गुजरात लौटने की कोशिश में थे, और इस बीच में गुजरात एटीएस ने बहुत बड़ा काम किया यूपी पुलिस के साथ मिलके और गिरफ्तारी की है। इससे पहले जो गुजरात से 3 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए थे और एक नागपुर से, उनको ऑलरेडी लखनऊ लाया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई है, और संभव है कि उनसे पूछताछ के आधार पर यूपी पुलिस को कुछ जानकारी मिली हो, जिसको गुजरात एटीएस के साथ साझा करके ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और गुजरात राजस्थान बॉर्डर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब गुजरात एटीएस इनको, इनकी कस्टडी यूपी पुलिस को देगी और रिमांड पर गुजरात से यूपी लाकर यूपी पुलिस इन लोगों से पूछताछ करेगी, और क्या मॉड्यूल है, क्या इंटेंशन था, क्यों हत्या हुई थी, ये सब पता करने की कोशिश करेगी। तो जाहिर है कि एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया इस गिरफ्तारी की खबर के बारे में, और सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि कमलेश तिवारी की हत्या 18 तारीख को जब हुई थी, तो 18 तारीख के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर यूपी पुलिस ऐसे हत्यारों को जो पहुंचती है, पैदल दो लोग पहुंचते हैं, हत्या करते हैं और पैदल फरार हो जाते हैं, और उसके बाद से लगातार पुलिस को चकमा देते हुए वो अलग अलग लोकेशन पे दिखाई देते हैं, और फिर भी 22 तारीख होने के बाद भी इन लोगों का पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई, तो लगातार सवाल उठ रहे थे। डीजीपी ने 48 घंटे का एक डेडलाइन दिया था, लेकिन वो 48 घंटे की डेडलाइन बीतने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो सवाल उठ रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है, गुजरात एटीएस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है यूपी पुलिस को मदद करके, और अब संभावना जताई जा सकती है कि ये दोनों हत्यारे आखिर क्यों कमलेश को मारना चाहते थे, ये अब पूछताछ में सामने आ सकता है। आखिर कोई आतंकवादी मॉड्यूल था या रेडिकलाइज थे ये लोग, तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अब पूछताछ के बाद पता चल सकता है, और ये एक यूपी के क्राइम के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। जी रणवीर, बने रहिएगा हमारे साथ, और उसके बाद जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे वो एक्शनेबल इनपुट जिसका जिक्र हिमांशु शुक्ला कर रहे थे एटीएस चीफ गुजरात के, वो इनको मिली है, लेकिन क्या बयान दिया है इस बड़ी कामयाबी के बाद गुजरात एटीएस चीफ ने, आप सुनिए। गुजरात एटीएस ने अभी कुछ घंटे पहले अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान की धरपकड़ करने में सफलता पाई है। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामड़ा जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों को अरेस्ट किया गया।
गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी और इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मूवमेंट किया गया और सामरा जी के पास से दोनों को अरेस्ट किया गया। टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहानपुर और चंडीगढ़, अंबाला, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारी जो कार्रवाई है वो गुजरात में कंसंट्रेट की गई और सफलता मिली। इसके बाद अभी इन आरोपियों के साथ जो लीगल प्रोसीजर है अरेस्ट का वो करके उत्तर प्रदेश पुलिस जिनके पास ये इन्वेस्टिगेशन है उनको सौंपा जाएगा। इंग्लिश में आप मानू छे कि नहीं आप मानू अत्यार इंग्लिश पूछे नहीं ना इंग्लिश वाला और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। अशफाक और मोइनुद्दीन ये दोनों ही हत्यारे आखिरी बार शाहजहांपुर में पाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों मिले थे और उसके बाद से अलग अलग टीमें बनाई गई थी, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बाकी इलाके हो, गुजरात में कई सारी टीमों को तैनात किया गया था और इंतजार इस बात का था कि ऐसी कोई चूक हो इन दोनों हथियारों की तरफ से और फौरन इस पर कार्रवाई करके इन दोनों को अरेस्ट कर दिया जाए और ठीक वैसा ही हुआ। श्यामला जी के पास में ये दोनों आतंकी, माफ कीजिएगा, ये दोनों हथियारे जो है वो पकड़े गए हैं, लेकिन इनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, क्योंकि ये दोनों पकड़े तो नहीं गए थे और पुलिस, यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि 2015 में जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी उसी का बदला लेने के लिए ये पूरी की पूरी टीम बनाई गई थी और फिर इन दोनों हत्यारों ने हत्या की थी। लेकिन फिर ये सवाल आया कि इन्होंने हर जगह पर अपनी अपनी रियल आइडेंटिटी को क्यों सामने रखा, क्यों छुपाया नहीं। रणवीर, अब उन सारे सवालों से पर्दा ये हम मान लें कि हट जाएगा, अब ये दोनों पकड़े गए हैं और बहुत सारे खुलासे अब सामने निकल कर आने वाले हैं। रणवीर से हमारा फोन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा उनसे हम संपर्क करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, 18 तारीख को कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी, गला रेत कर ये हत्या की गई थी। सूरत के मिठाई के डब्बे से इन दोनों हथियारों तक पहुंची है पुलिस, दावा किया था कि 48 घंटे में खोज निकालेंगे, हालांकि वो नहीं हो पाया। आज पांचवें दिन इन दोनों हथियारों को गिरफ्तार करने में गुजरात एटीएस को कामयाबी हासिल हुई है। रणवीर दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, अब ये बताइए कि इन इन दोनों को कब यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा और वो जितने भी सवाल हैं जिनका जवाब हिंदुस्तान जानना चाहता है वो मिल पाएगा? जी देखिए, एक लीगल फॉर्मेलिटी अरेस्टिंग की होगी, गुजरात एटीएस इनको अरेस्ट करेगी और अरेस्टिंग के बाद यूपी पुलिस की टीम वहां की कोर्ट से रिमांड मांगेगी। ट्रांजिट रिमांड एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाने के लिए ली जाती है और अब वो कितने दिन की मिलती है ये गुजरात की कोर्ट को तय करना है। तो उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में अरेस्टिंग दिखाने के बाद यूपी पुलिस जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि कल सुबह या कल दोपहर तक अगर रिमांड मिल जाती है तो इनको तत्काल लखनऊ लाया जाए, क्योंकि चार आरोपी पहले से ही यहां पे गिरफ्तार करके लाए गए हैं और इन सभी को हो सकता है कि साथ बिठाकर पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करे कि इन सब लोगों का आखिर मोटिव क्या था कि सूरत से ये आते हैं और लखनऊ जैसे इतने दूर ट्रेवल करके हत्या करते हैं, तो आखिर इंटेंशन क्या था, क्यों ये मारना चाहते थे। ये लखनऊ पहुंचे, इन्होंने हत्या की, दोबारा सूरत की तरफ, दोबारा गुजरात की तरफ पहुंचते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान था ये जानने। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन लोगों ने टीवी नहीं देखा होगा, अखबार नहीं पढ़ा होगा, ये पता नहीं किया होगा कि लोग इस जो पुलिस है वो इनकी धरपकड़ में बहुत तैयारी के साथ इधर उधर घूम रही है, उसके बावजूद दोबारा अपने बिल की तरफ जाना, क्या वजह हो सकती है? देखिए रुमाना, कल देखिए रूबिका, कल मेरी एक बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, तो उस बातचीत में उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसा लगता है कि ये हत्यारे नेपाल नहीं जाना चाहते हैं। ये बात इसलिए वो पुलिस अधिकारी ने कही थी क्योंकि लगातार इनकी लोकेशन नेपाल के आसपास देखी जा रही थी और जिस तरह का नेपाल और इंडिया का खुला बॉर्डर है कहीं से भी क्रॉस करना आसान था, क्योंकि घटना के काफी दिन, चार दिन बीत चुके थे कल। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि वो कुछ और करना चाहते हैं।
अब इनके इंटेंशन क्या था, या तो ये सेफ गार्ड ढूंढने के लिए गुजरात वापस जाना चाहते थे कि उनका अपना अपनी जमीन है, ज्यादा अपने लोग हैं, उनको शायद बचा लें, या कुछ और मोटिव था, फिलहाल ये तो पूछताछ से ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि लगातार पुलिस को ये लोग चकमा देते रहे और खुलेआम घूमते रहे, जबकि सीसीटीवी फुटेज हम सारे न्यूज चैनल्स चला रहे थे, न्यूज ने बहुत सारी फुटेज दिखाई, जो पहली फुटेज इनकी सूरत की मिठाई की दुकान में मिठाई लेते हुए दिखी, दूसरी लखनऊ से दिखी, तीसरी लखीमपुर से दिखी, चौथी शाहजहांपुर से दिखी। तो अलग अलग इनकी सीसीटीवी फुटेज, इनकी तस्वीरें पुलिस ने जारी कर दी, लखनऊ की पुलिस ने एक मैसेज भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया ताकि कोई भी इनको देखे तो पहचान जाए, लेकिन बावजूद उसके ये लोग अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे। और जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एटीएस चीफ हिमांशु शुक्ला की, वहां पर कुशांग मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। कुशांग, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे एटीएस चीफ से, लेकिन उन्होंने 5 लाइनों में अपनी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। उन्होंने कहा हमें यहां मिले एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मिली और हमने इनको श्यामला जी से पकड़ लिया है। अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मिलेगी, कैसे इन लोगों को पकड़ा गया, कौन सी वो लीड थी, किसने बताया कि ये लोग वहां पहुंच चुके हैं, क्यों ये दोबारा गुजरात की तरफ आए जबकि ये जानते थे कि गुजरात में ही पुलिस इनको पकड़ रही है। देखिए एटीएस की बहुत अहम भूमिका रही क्योंकि ये दोनों जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं पे गिरफ्तार करने में टेक्निकल सर्विलेंस काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। जिस तरह से एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला ने भी बताया कि टेक्निकल जो सर्विलेंस था वो किया जा रहा था। और आपको ये भी बता दें कि ये दोनों के ऊपर तकरीबन 2.5 लाख का मुआवजा भी पहले से जाहिर कर दिया गया था। अभी की बात की जाए तो अलग अलग कुल 6 जितनी टीम बनाई गई थी जो कि गुजरात और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार इसके संपर्क में रहती थी। जैसे ही इन दोनों के कॉल ट्रेस करके इन दोनों के बारे में पता चला, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के बीच में आया हुआ एक गांव है श्यामला जी, जो कि काफी छोटा सा गांव है, और ये दोनों वहां पर आए थे। और इस खबर की जैसे ही एटीएस गुजरात एटीएस को पता चला, उन्होंने जो पूरे नेटवर्क में फैली हुई 6 अलग अलग टीमें थी जो 6 अलग अलग जगह पे काम कर रही थी, उन लोगों को सबको साथ में इकट्ठा किया और सभी को एक मैसेज कन्वे किया कि इन दोनों की जो पहचान है वो यहां पर हो चुकी है, यहां पर ये दोनों अभी होने की आशंका जताई गई है। तो इसके चलते ये जो 6 अलग अलग टुकड़ियां थी वो एक जगह पे इकट्ठा हो गई और इनके बाद में ये जो ऑपरेशन है वो पार किया गया है। हालांकि जिस तरह के एटीएस के सूत्र हमें बता रहे हैं, इन दोनों को कल कोर्ट कस्टडी में पेश भी किया जा सकता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस को इन दोनों की कस्टडी भी दे जा सकती है। हालांकि देर रात तक इन दोनों की काफी पूछताछ भी की जाएगी। हालांकि जो एटीएस के डीआईजी ने हमको बताया, तब तक काफी शॉर्ट टाइम में ये सारा जो ऑपरेशन था वो पार हुआ है, लेकिन गुजरात एटीएस के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन, काफी कामयाब रहा ये ऑपरेशन। और इसके साथ साथ देखा जाए तो कल का दिन जो है बहुत कामयाब ये ऑपरेशन रहा है। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से बार बार 48 घंटे का जिक्र किया, लेकिन गुजरात एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली। फिर बता दू इस वक्त ये बड़ी खबर है, कमलेश तिवारी के ये दोनों हत्यारे अशफाक और मोइनुद्दीन गिरफ्तार हो चुके हैं।